India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के number one study channel Wi-Fi Study में. तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है, daily सुबह 5 बजे अपना एक important session होता है current affair का, जिसमें कई सारे important सवाल है जो कि हम cover up करते हैं. तो चलिए start करते हैं. आज है Monday और Monday को आपको मालूम है आपकी preparation आपको start करनी है बहुत जबरदस्त तरीके से. सुबह 8 बजे वाला जो करंट अफेयर का सेशन है उसमें जरूर आइएगा, क्योंकि उसमें भी आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि देखने को मिलेंगे. और कई सारा इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है, साथ में सैटरडे का, संडे का, मंडे का, दो दिन का होता है संडे और मंडे का, दो दिन का करंट अफेयर है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल का मैंने आपको दिया था उसका आंसर क्या है. मैंने आपको क्वेश्चन दिया था दोस्तों कि यूपी सरकार ने एक टोल फ्री मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है वो लॉन्च करी है, तो उसका नंबर क्या है, हेल्पलाइन नंबर के बारे में बात करी थी. आंसर क्या हो जाएगा, 1076 है जो कि हेल्पलाइन है जो कि यूपी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया. यूपी के बारे में आपको मालूम है अभी कौन है यहाँ पे, योगी जी है जो कि सीएम है और नायक जी, राम नायक जी है जो कि यहाँ पे गवर्नर है. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पे रहा, ये आपको बताना है. भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग है जो कि बतानी है आपको. देखिए 2018 के अंदर जो हमारी रैंकिंग थी वो थोड़ी सी बेटर थी, 79 भारत की रैंकिंग थी. इस बार जो रैंकिंग आई है वो कितनी आई है, 86 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि आपको देखने को मिलेगा. आप यहाँ पे देख सकते हो भारत सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक 2019 में 86वें स्थान पर रहा है. दुनिया में सबसे ज्यादा पासपोर्ट पावरफुल किसका, जापान और सिंगापुर का माना गया है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 86 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. अगला सवाल देखते हैं. भारत में पहली बार इंटरनेट उपभोक्ताओं के लिए साक्षरता अभियान डिजिटल उद्यन लॉन्च करने के लिए डैश के साथ रिलायंस जियो ने साझेदारी करी है. तो किसके साथ में दोस्तों कैंपेन है डिजिटल उड़ान नाम का, जो है पहली बार देश में इंटरनेट यूजर के लिए लॉन्च किया गया है, यह आपको बताना है. और यहाँ पे जियो ने दोस्तों किसके साथ में किया है, ठीक है, किसके साथ में इसको किया है दोस्तों, फेसबुक के साथ में इसको लॉन्च किया है. तो फेसबुक है जो कि भारत का पार्टनर है जो कि इसके अंदर बना है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फेसबुक आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. निम्नलिखित में से किस बैंक ने खुदरा और एमएसएमई ऋणों को संसाधित करने के लिए केंद्रीकृत हब सीईएन मार्ग लॉन्च किया है. तो दोस्तों यहां पे बताया गया है कि एक लॉन्च किया गया सेंट्रलाइज्ड हब सीईएन मार्ग जो कि रिटेल और एमएसएमई लोन के बारे में प्रोसेस करवाएगा चीजों को. तो ये किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना, और ये पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा. अगला सवाल है आपका, विश्व के सबसे बड़े बर्न और प्लास्टिक सर्जरी संस्थान का उद्घाटन किस देश में किया गया है. सबसे बड़े यहाँ पे बर्न और प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट जो है वो कौन से देश में इसको लॉन्च किया गया है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्न और प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट जो है वो ढाका के अंदर जो है स्टार्ट किया गया है. शेख हसीना नेशनल बर्न और प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट है जो कि इसका नाम है, 500 बेड का हॉस्पिटल है जो कि यहाँ पे लॉन्च किया गया है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा. अगला सवाल देखते हैं. निम्नलिखित में से कौन विश्व आर्थिक मंच के प्रतिष्ठित लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला और एकमात्र भारतीय विनिर्माण संयंत्र बन गया है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि इंक्लूड किया गया है प्रेस्टिजियस लाइट हाउस नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा. तो ये कौन सा है दोस्तों, यह है टाटा स्टील जो कि कहां पर है, कलिंगा नगर के अंदर उसको इंक्लूड किया गया है. एकमात्र है
जो कि यहाँ पे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी भी डेवलप जो है यहाँ पे करी जा रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टाटा स्टील कलिंगनगर आपको यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीएमडी आपको बताना है यहाँ पे किसको नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर नालिन सिंगल है जिनको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में और सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपका आंसर क्या है, बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। साथ में आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे बैंकिंग कार्मिक चयन संस्था के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो इसके यहाँ पे किसको नियुक्त किया गया है, और यहाँ पे हरदीश कुमार है जिनको 3 साल की अवधि के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हरदीश कुमार आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि होगा, तो ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट में रेलवे को डैश का बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ। तो रेलवे को दोस्तों कितना जो है बजट है जो कि दिया गया है, 27,28,00,000 करोड़ रुपए का जो बजट अपना आया है उसमें रेलवे को दोस्तों कितना दिया गया है, कुल 1,60,00,000 करोड़ है जो कि दिए गए हैं, ठीक है, कुल बजट में से। तो 19-20 के बजट में रेलवे ने बजट में कुल 1.60 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय के लिए 65,000 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त किया है। ओके, तो टोटल एलोकेशन कितना है, 65,000 करोड़ है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 1.60 लाख करोड़ है बजट के अंदर। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 65,000 करोड़ है जो कि आवंटन प्राप्त किया है केंद्रीय बजट के अंदर रेलवे को, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, 2 करोड़ रुपए और उसके अधिक व्यय वाले व्यक्तियों के लिए कितना कर में जो कि दिया गया है, दर यानी कि आपको बताना है कि इंटरेस्ट जो है दोस्तों, टैक्स जो है कितना है 2 से 5 करोड़ रुपए एनुअल इनकम वाले और 5 करोड़ से ज्यादा की जो इनकी एनुअल इनकम है उनके लिए कितना टैक्स सरचार्ज है जो कि बढ़ा दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर 2 से 5 करोड़ रुपए की है अगर सालाना इनकम है तो 3% और 5 करोड़ से ज्यादा वालों को 7%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं जो कि आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, केंद्रीय बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2019 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के डैश पर अनुमानित है। तो कितना है जो कि राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुमानित किया गया है इस बजट के अंदर, ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे अच्छे वीडियोस मिलते रहे। साथ में दोस्तों कल मैंने आपके लिए एक जनरल वीडियो बनाया था कल सुबह, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन सी 10 चीज़ें हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महंगी हो गई है और उसके बारे में बताया था, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। 2-3 दिन पहले बजट का भी बनाया है, बजट के क्वेश्चंस का वीडियो भी बनाया है, वो सब भी देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कल शाम में आपके लिए कई सारे नए चैनल का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।